गुड आफ्टरनून फिफ्थ क्लास, आई एम माधवी फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, USST टीचर। बच्चों आज हम मैप फिल करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैप लेना है वर्ल्ड फिजिकल का, ठीक है। हिंदी में अगर बोलोगे तो संसार का जो प्राकृतिक मैप आता है वो लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर इंडियन कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनको फिल करना है। आपको पता है कि हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, पता है ना। सबसे पहले हम आएंगे, ये जो आपको शेप दिख रही है, सबसे ऊपर क्या हो गया हमारा, नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के टच में ही है, ये देख रहे हो आप बाउंड्री आ रही है, नॉर्थ अमेरिका के टच में ही क्या है हमारा, साउथ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका टच में है, दोनों में समझ आ गया। उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये क्या है हमारा, यूरोप है। क्या है ये हमारा, यूरोप। यूरोप के साथ में ही जो हमारा एक सबसे लार्ज एरिया है वो हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये हमारा है एशिया, ठीक है। आपको पता है ना कि एशिया का, एशिया जो है वो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो सबसे बड़ा एरिया जो वो क्या है, वो हमारा एशिया है। और यूरोप के नीचे वाला जो एरिया है वो क्या है हमारा, अफ्रीका है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे तो एक इधर छोटा सा एरिया है, वो क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया। और आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। फिर आप देखोगे नीचे एक लाइन जा रही है जहाँ पे आपका मैप एंड हो रहा है, उसके साथ में जो ये एरिया आ रहा है ये क्या है हमारा, अंटार्कटिका है। ये क्या है हमारा, अंटार्कटिका। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हो चुके हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यूरोप, यूरोप के साथ में एशिया, यूरोप के नीचे कौन सा है हमारा, अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्या है हमारा, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और सॉरी एशिया जो है वो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप वर्ल्ड फिजिकल का मैप लेंगे, उसके बाद आप ये जितने भी मैंने कॉन्टिनेंट्स करवाए हैं इनको अपने मैप में फिल करेंगे, उसके बाद उसको आप अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो है ये वाला मैप आपके पेपर में आएगा, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैप को आपने कॉपी में फिल करना है और उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। Thank you all of you.